नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें जो कि उड़ी से आई है कि वहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरे आतंकी को मार गिराया गया है। जी हां, उड़ी जो सेक्टर है वहां पर 18 सितंबर से ही लगातार जो तलाश थी आतंकियों की वो जारी थी और इससे पहले एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे और उसके बाद दोबारा से जो फायरिंग थी वो रिज्यूम हुई थी और अब जो अपडेट सामने आया है कि इस फायरिंग के बाद एक आतंकी, वो भी पाकिस्तानी मूल का है, उसे मार गिराया गया है जबकि दूसरा आतंकी जो है उसे जिंदा पकड़ लिया गया है। इस बाबत सेना जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको सुना दें कि एक पाकिस्तानी आतंकी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आतंकी जो है वो इस काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में जो है वो मार गिराया गया है। आतंकियों की बात करें तो एक बड़ा हमला जो था उसे अंजाम देने की फिराक में थे और इन्फिल्ट्रेशन जब हुई तो उसके बाद से ही सेना लगातार वहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो वहां पर मुठभेड़ हुई और फिर 3 आतंकियों का वहां पर सफाया किया गया था और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ था। और ये रिकवरी इस ओर इशारा कर रही थी कि प्लान कुछ बड़ा है और जितनी रिकवरी है उस रिकवरी के मुताबिक ज़्यादा मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं और उसी के आधार पर जो सर्च ऑपरेशन था वो वहां पर कॉल ऑफ नहीं किया गया। लगातार सर्चिस वहां पर जारी रही और सर्चिस के दौरान ही दोबारा से कॉन्टैक्ट वहां पर एस्टेब्लिश हुआ और फायरिंग जो थी वो रिज्यूम हुई और उस फायरिंग के रिज्यूम होने के बाद अब ये खबर सामने आई कि एक पाकिस्तानी आतंकी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि वो जिंदा पकड़ा गया है इस पूरे ऑपरेशन में और दूसरा आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। अभी भी सेना जो है वो वहां पर अपना जो सर्च है वो जारी रखे हुए है। पॉसिबिलिटी है कि वहां पर और भी आतंकी जो है वो हो सकते हैं। घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया था, लेकिन कुछ आतंकी जो थे वो फॉरेस्ट एरिया होने के चलते वहां पर होल्ड अप करने में शायद कामयाब रहे, लेकिन भारतीय सेना ने लगातार वहां पर अपने सर्चिस को इंटेंसिफाई किया और उनके इस होल्ड अप को जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो फिर वहां पर एनकाउंटर हुए और एनकाउंटर्स का रिजल्ट यही आया कि लगातार आतंक का सफाया जो था वो उड़ी से होता रहा और 3 आतंकियों की सफाई के बाद अब एक और आतंकी जो है वो मार गिराया गया है जबकि एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। अब इसके जरिए क्या क्या खुलासे होंगे और क्या एविडेंस ये आतंकी जो है ये बनेगा, ये अलग मसला है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है कि उड़ी में जो है वो आतंकी लगातार जो है वो सेना की तरफ से ढेर किए जा रहे हैं और एक आतंकी को जो है वो जिंदा पकड़ने में कामयाबी भी मिली है। नमस्कार।